वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भये अरिहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं हे सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं हे सतत केवल ज्ञान पाने अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की समस्त मुनि संघ की किसी भी कथा का प्रवाह किसी भी प्रवचन या उद्बोधन को जब हम सुनते हैं उसके पीछे कहानियां नहीं होती, कहानी के पीछे भी कुछ होता है। कहानी के पीछे जिनकी दार्शनिक प्रज्ञा रहती है वो जीव और पुद्गल का खेल देखते हैं। जिनके अंदर सामर्थ्य होती है उस कहानी से पाप और पुण्य को छांटते हैं, साधना की एक नई परिभाषा सीखते हैं, अध्यात्म भी उस कहानी में कहानी के साथ चलते चलते दिखाई देता है। धैर्य की कितनी कीमत होती है, कथानक में आपको धैर्य की कीमत भी दिखाई देती है। व्यक्ति का लोभ, व्यक्ति की कसाय, व्यक्ति का पाप पुण्य सब कुछ एक कथानक में देखने वाले लोगों की अपनी अपनी दृष्टि रहती है और अपनी अपनी दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक आत्मा किसी भी कथानक का आनंद लेती है, कोई मनोरंजन के लिए और कोई मनोभंजन के लिए। किसी किसी को कहानियाँ सुन करके कथानक सुन करके इंटरेस्टिंग लगती है, महाराज जी कितनी अच्छी कहानी सुनाते हैं। किसी किसी को लगता है कि इस कहानी तो पूरी की पूरी हमारे ऊपर घट रही है, तो किसी बच्चों का तो मनोरंजन होता है और ज्ञानियों का मनोभंजन होकर के वे अपने पुरुषार्थ की एक नई दिशा को खोज लेते हैं। किसी भी कथानक में आप सिर्फ कथानक मत देखिएगा, इन सारे विषय वस्तु को छू करके समझने का प्रयास करिएगा। मुनिराज मणिमाली की कथा विगत 3 सत्रों से चल रही है, आज 4th सत्र पुनः है। हम मुनिराज मणिमाली को समझने के लिए यहाँ पर आए। पिछले सत्र में आपने देखा कि कैसे गुणसागर मुनि महाराज से प्रभावित होकर के उनके उपाश्रय में साधना को आकार देकर के संगति में रह करके संघ के अनुशासन को सीख करके मणिमाली मुनिराज ने सब कुछ गुण मसागर मुनि महाराज से लिया और फिर अपने धैर्य की परीक्षा करने के लिए मणिमाली मुनि महाराज शमशान का चयन करते हैं विविक्त संन्यासन तप को स्वीकार करने के लिए। विविक्त संन्यासन तप और उसमें भी चयन करने के लिए कोई आदमी अपने ही घर की छत चूज कर ले
नगर में बाहर का वातावरण चयनित कर ले, सरल बात है। लेकिन साधु के मन में शमशान घाट के अंदर जाकर के साधना करने का जब भाव पैदा होता है तो उसमें एक अलग प्रकार का पुरुषार्थ चाहिए पड़ता है। संवास का सुख होता है बंधुओं, प्रत्येक जीव को मिलता है, ज्ञानी को भी और अज्ञानी को भी। जब अज्ञानी अपने लौकिक ज्ञान से किसी संवास का सुख चाहता है तो उसको संवास के सुख में या तो स्त्री दिखाई देती है, धन दिखाई देता है, संपत्ति दिखाई देती है, लेकिन विपत्ति दिखाई नहीं देती। ज्ञानी को जब संवास चाहिए तो उसके लिए पूज्यपाद भगवान कहते हैं, इक्षन्ते का संवासम निर्जरह जनितादरह। ज्ञानियों को एकांत के संवास में जो सुख मिलता है, अकेले छोड़ दो बस उनको, फिर वो अपने आनंद में जो लीन रहते हैं उस आनंद को कभी भी गृहस्थ प्राप्त नहीं कर सकता। पत्नी बगल में बैठी हो और समय सार समझना, और किसी मुर्दे की राख बगल में जल रही हो और समय सार को समझना, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। एसी और पंखे में समय सार की परिभाषा आत्मसात करना और उसी परिभाषा को समझने के लिए जब कोई शालिनी पैर खा रही हो और तब अहम इक्खो खलु शुद्धो दंसन नान मैयो सदा रूबी की वो गाथा किसी के प्रवचन का माध्यम बनती है, देशना का और किसी के जीवन को सुधारने का। गुण मणिमाली मुनि महाराज ने गुणसागर मुनि महाराज से जितना भी पवित्र ज्ञान एकत्रित किया था सबके प्रयोग करने के लिए वे नाना प्रकार के तप को करते हुए जब शमशान में पहुंचे और संध्या का समय होने को आया, शमशान में जा करके मणिमाली मुनि महाराज ने रात्रि योग स्थापन कर लिया। रात्रि योग का स्थापन क्या होता है? मुनि महाराज के आवश्यक कृति कर्मों में एक रात्रि योग स्थापन और निष्ठापन का भी नियम होता है। सूर्यास्त होने से पहले वे अपनी शैया पर आकर के बैठ जाते हैं और शैया में आकर के बैठने के बाद योगी भक्ति पूर्वक एक कायोत्सर्ग कर लेते हैं और ये पक्का संकल्प कर लेते हैं कि अब कैसी भी विपत्ति आ जाए इस तखत के नीचे मैं पैर भी नहीं रखूंगा। तो उनका ऐसा पवित्र नियम रहता है योग स्थापन का कि रात्रि संध्या होने से पहले अपनी शैया को धूल लिया। पूज्य गुरुदेव इस रात्रि योग स्थापन के नियम में पिछले 55-57 सालों से निरंतर उनका ऐसा पवित्र संकल्प रहता है कि कैसी भी परिस्थितियां आई हों, वे एक बार अंधकार आया, उन्होंने अपना पैर जो तखत के पाटे के ऊपर रखा, फिर वो अपना पैर नीचे नहीं रखते। गुरुदेव की खासियत है। मणि माली मुनि महाराज ने शमशान घाट में अपने रात्रि योग स्थापन का नियम ले लिया। रात्रि योग स्थापन के नियम को लेकर के कायोत्सर्ग करके जब योगी भक्ति पढ़ ली, प्रावट काले सब विद्युत प्रपतिसल्ले वृक्ष मूलादिवासा हे मंत्रे रात्रि मध्य प्रगति विगत भया काष्ट व तक्त देहा, इस सूत्र को वो अपने मन के अंदर आत्मसात कर रहे थे। ग्रीष्म में सूर्यांश उत्तप्ता गिरि शिखरगता स्थान कूटांतरस्थास तेमे पदर्मुन मुनिधग गर्म वृषभा मोक्षिन ही श्रेणी भूता। वे मोक्ष को दिलाने वाले मुनि महाराज और उनके जाने वाली करने जाने वाली वे पवित्र क्रियाएं, जिसमें बरसात के दिनों में वृक्ष के नीचे बैठना, हेमंते रात्रि मध्य प्रति विगत भया काष्ट व तक्त देहा, ठंडी की भयानक ठंडी पड़ रही हो, नदी के किनारे अपनी देह को जैसे किसी ने लकड़ी का ठूट छोड़ दिया हो ऐसे छोड़ करके और अंदर समय सार को जीने वाले मुनि महाराज, कहना ही क्या। मणिमाली मुनि महाराज के मन में आया कि ये शमशान घाट है, बिल्कुल एकांत है, योगियों के लिए वो वरदान, और इसमें भी रात्रि योग का स्थापन करके मुनि महाराज ने सवासन लगा करके चुपचाप मुनि महाराज लेट गए। सामायिक दो आसन में करी जा सकती है ऐसा नहीं। आपको लगता होगा कि खड्गासन लगा करके खड़े होकर के या फिर
बैठ करके ही समाई की जाती है। गुरुदेव कहते हैं आप शवासन में भी समाई कर सकते हैं, बसरते आप शवासन लगाने के बाद सोए ना। कई लोग सो जाते हैं, कुर्सी में बैठ करके भी आप वो काम कर सकते हैं। बस संकल्प कर लें कि 50 मिनट तक अपने शरीर को हिलाएंगे नहीं। जो आसन आपको कंफर्टेबल लगता हो, लगता है चेयर में बैठ करके हम माला अच्छे से फेर सकते हैं, समाई कर सकते हैं, आप चेयर में बैठ जाइए, लेकिन संकल्प ले लीजिए कि पैर और हाथ अगले 50 मिनट तक नहीं हिलाएंगे। आसन आपकी मर्जी का, जिनको पद्मासन लगाने में, सुखासन लगाने में दिक्कत होती है, तो वहां पर मणिमाली मुनि महाराज ने शवासन लगा लिया। जैसे मुर्दे को अर्थी के ऊपर लिटा देते हैं, ऐसे वो जमीन के ऊपर चुपचाप लेट गए और लेट करके संकल्प कर लिया कि अब जब तक सूर्य का उदय नहीं होगा तब तक मैं यहां से नहीं हटूंगा। दिगंबर नग्न शरीर, उसमें शमशान घाट, रात्रि का अंधेरा, और एक जीवित मुनि महाराज शमशान घाट के उस घाट पर लेटे हैं। आप सिर्फ कल्पना करिएगा, कल्पना करिए अंदर कैसा माहौल होगा। सोच करके विचित्र लगता है, लगता है कि प्रथमा नियोग की घटनाएं जीवंत करना पंचम काल में मुश्किल है, ऐसा लगता है ना, लेकिन ऐसा है नहीं है बंधु। गुरुदेव जब दीक्षित हुए उस समय अजमेर का वह वातावरण मैं आपको याद दिलाऊं, गुरुदेव सोनी जी की नसिया में अपने शीतकाल को निकाल रहे थे, गर्मी का समय था, और गर्मी के समय में गुरुदेव अजमेर की नसिया में थे। शुरुआत के 9 वर्ष में जितने भी विद्वान हैं उन्होंने लिखा कि तीर्थंकर जैसी चर्या करने में प्रवीण आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज हर तरफ से सिर्फ एक ही चीज करते हैं, मिथ्या दृष्टि को सम्यक्त की उपलब्धि कराने का उनकी देह मात्र कारण है। ऐसे शब्द जैन गजट में बड़े बड़े विद्वानों ने लिखे। आचार्य जी जब अजमेर गर्मी में थे तो नसिया से करीब 2 किलोमीटर दूर कोई शमशान घाट है, उस शमशान घाट में गुरुदेव रात के समय चले जाते थे, यही शाम के समय चले गए, पूरी रात इस पंचम काल में भी जिन आचार्य परमेष्ठी को आप इतने गदगद भाव से देखते हैं उनकी जवानी का वह साधना का एक पल आपको देखना होगा कि शमशान घाट में मुर्दा जल रहा है, लोगों के अधजले मुर्दे पड़े हैं, कुत्ते बिलबिलाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, और शमशान घाट में खूंखार कुत्तों का आतंक बहुत रहता है, और ऐसे खूंखार कुत्ते कि वो किसी को भी काटने और मारने की सामर्थ्य रखते हैं। इन सब प्रतिकूलताओं को दिमाग में रखने के बावजूद आचार्य भगवंत भी पूज्यपाद स्वामी की वह कारिका इक्षन्ते कांत संवास है निर्जरह जनितादर, इस सूत्र को अनुभव करने के लिए अजमेर में नसिया छोड़ करके शमशान घाट में जाकर के रात्रि योग स्थापित करते थे। उनके साथ उस समय भूतबलि सागर जी महाराज और दूसरे अन्य महाराजों का भी, जहां मेरे नाम में नहीं है, समय सागर जी महाराज श्री भी, योग सागर जी महाराज श्री भी वहां पर जाकर के शमशान घाट में आचार्य सी जा रहे हैं, इसलिए वो भी जाकर के साधना करते। अब सबको तो धक धक धुक धुक लगती, सबका बैराग एक ऐसा तो नहीं होता, किसी का कम किसी का ज्यादा। उसमें आचार्य महाराज कोई पाटा नहीं, जैसे ये गुण मणिमाली मुनि महाराज रात्रि योग स्थापन करके जमीन पे लेट गए, ठीक ऐसे ही गुरुदेव उस शमशान में जाकर के पूरी रात निकालते थे बिना पाटे के। बंधुओं एक बार तो गुरुदेव यहां से गए और दूसरे दिन वहीं पे राख पड़ी थी, उसी राख से केस लॉन्च करके और वापस तीसरे दिन उपाश्रय में आए। लोग ढूंढते रहे महाराज कहाँ है, महाराज कहाँ है, उन्होंने देखा कि रात में तो गए थे तो सब ठीक था, सुबह बिल्कुल केश लॉन्च वगैरह सब हो गया है, राख लगी है, उठ करके चले आए। आचार्य सिंह जी से पूछा, गुरुदेव बोले कुछ नहीं, आज केश लॉन्च का समय आ गया था, वहीं पर राख पड़ी थी तो मैंने कहा एकांत भी है, उसी राख से केश लॉन्च किया और वापस चले आए। किसकी सामर्थ्य है, अभी भेज दो किसी को,
जैसे ही जनता छोड़ के चली जाए, ऐसा ऐसा लगता है भैया यहाँ से कोई आया कि यहाँ से कोई आया। लेकिन आचार्य श्री जी बहुत धैर्य के साथ साधना को आकार दिया। उन पलों को आप सोचिए मात्र। मुनिराज श्री भूत बलि सागर जी से हमारा भी आष्टा में मिलना हुआ, तो उन्होंने बताया कि जब हम गुरुदेव के साथ अजमेर में शमशान घाट में गए, पहले दिन कुछ नहीं रहा, शांति से सबकी रात निकली, सबको लगा कि ये तो बड़ा अच्छा है, गर्मी है और शमशान घाट में रुके हैं। दूसरे दिन जैसे ही गुरुदेव वहाँ पर पहुँचे और अंधेरा हुआ, अंधकार छाया, हम सब थोड़ी थोड़ी दूर पर उस शमशान की धरती पर बैठे थे कि भूत बलि सागर जी महाराज बताते कि धीरे से जैसे दीपक की बत्तियाँ जलती हैं ना, ऐसी बत्तियाँ आसमान में जलती हुई हम लोगों की परिक्रमा लगाने लगी। अब ऐसी परिक्रमा लगाने लगी, जो भी साधु थे सब धक, ये तो अब भूत आ गए, अब गड़बड़ हो गया, अब पता नहीं क्या होगा। आचार्य श्री जी ने सिर्फ एक ही बात कही, धैर्य रखना, घबराना मत, शांति से सिर्फ देखो क्या हो रहा है। गुरुदेव आसन लगा करके बैठ गए, हजारों दीपक जलती हुई दीपक की लौ की बत्तियां पूज्य गुरुदेव के चारों तरफ परिक्रमा लगाने लगी। धीरे धीरे पूरे मुनि संघ के ऊपर परिक्रमा लगाने लगी। पूरी रात उन बत्तियों की परिक्रमा लगाते लगाते निकल गई। दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई, पूरी रात तो जगते में निकल गई, पता नहीं कब सोए और बत्ती सिरही में गिर जाए, कौन परेशान करे, कौन सोता है। गुरुदेव पूरी रात ध्यान और सामायिक में लीन होकर के आत्मा के उस पवित्र स्वभाव का चिंतन करते रहे। पूरा रात निकल गई बंधुओं गुरुदेव की इस प्रयोग को करते। सुबह उठे, चुपचाप अपने उपाश्रय में आए, स्वाध्याय इत्यादि देव वंदना हुई, आहारचर्या में निकल गए। दोपहर में मुनि महाराज जी लोगों ने निश्चय कर लिया, कल ऐसा विचित्र वातावरण बन गया था, आज वहाँ पर नहीं जाएंगे, भैया हमसे तो नहीं होगा। तो ऐसी वातावरण बना, आचार्य श्री जी शाम को चुपचाप कमंडल उठाए और फिर वापस चल दिए। कहाँ? वहीं जहाँ कल गए थे। अरे कल तो इतना हो रहा था, आज मत जाइए, आप लोग यहीं रुकिए, कोई मना नहीं है, मैं होकर के आता हूँ। आचार्य श्री बहुत सहज में बोलते हैं, आपका साहस नहीं है, धर्मशाला है, उपासरा है, आप बैठिए, मैं होके आता हूँ। भक्ति कितनी लाजवाब होती है। जैसे ही गुरुदेव ने अपना कदम फिर अजमेर के शमशान घाट में जाने के लिए उठाया, दूसरे मुनि महाराज भी कमंडल उठा के चलते बने। तो एक महाराज जी दूसरे से कहते हैं, क्यों तुम तो कह रहे थे कि डर लगता है। बोले जब गुरु साथ में है तो काय का डरना भैया, पहला दुख तो वो उठाते, बाद में अपन को मिलने वाला है। आचार्यों की सबसे बड़ी खूबी रही है कि जब भी दुख का समय आया है तो पहला पैर आचार्य परमेष्ठी खुद रखते हैं, और सुख के समय में जैसे मुर्गी अपने चूजों को आगे कर देती है, ठीक ऐसे ही गुरुदेव अपने शिष्यों को आगे कर देते, देखो अभी सुख का समय है तो तुम लोग देख लो, दुख का समय आएगा तो मैं आगे कर लूंगा। आचार्यों की खासियत है। गुरुदेव ने जैसे ही कदम बढ़ाया, सारे शिष्य चले गए। लगातार 3 दिन तक इसी तरीके का उपक्रम उस शमशान घाट पे होता रहा। इसी वर्तमान पंचम काल की अभी से 50 साल पहले की घटना है बंधुओं। और यह जो कथानक मैं आपको सुना रहा हूं वो मणिमाली मुनि महाराज का, ये राजा शेणिक के समय का, भगवान महावीर के समूषण के समय की घटना है बंधुओं। मणिमाली मुनि महाराज की, मुझे तो कई बार लगता है कि मणिमाली महाराज का ये कथानक सुनकर के ही गुरुदेव को प्रेरणा मिली होगी कि जैसे उन्होंने प्रयोग किया है मैं भी प्रयोग करके आऊं। लगातार 8 दिन तक गुरुदेव अजमेर के शमशान घाट में जाकर के और योग साधना करे, उसके बाद गुरुदेव को कुछ और विकल्प आए तो वहाँ की साधना छोड़ करके अन्य प्रयोजनों में लीन हो गए। मणिमाली मुनि महाराज ने उस शमशान घाट में अपना सवासन लगा लिया है। 3 दिन पहले ही मणिमाली मुनि महाराज ने केशलुंज किए थे। केशलुंज करने के बाद दिगंबर साधु का जैसा चेहरा चमकता है उनके तप के तेज से, वो अलग ही था। चेहरे में, सिर में एक भी दाढ़ी मूछ में बाल नहीं, और शरीर अपना अपनी काया को लेकर के जब लेटे, और योग निद्रा में तो थे नहीं,
आसन लगा करके वो ध्यान में लीन थे, बिल्कुल भी शरीर में स्पंदन नहीं हो रहा था, जैसे कोई मुर्दा पड़ा रहता है शमशान घाट में, ठीक ऐसे ही महाराज ने अपनी काया छोड़ दी थी, काया छोड़ दी थी और खुद जगे हुए थे। और उस पूरे शमशान घाट में जब भयानक रात्रि में रात के करीब 12:15 बजने को था, मध्य रात्रि होने को थी, तब वहां पर एक तांत्रिक आया। तांत्रिक को शमशान घाट में किसी प्रकार की सिद्धि करनी थी। कई प्रकार की सिद्धियां होती हैं बंधुओं, सम्मोहन सिद्धि होती है, उच्चाटन होती है, वशीकरण होती है, स्तंभन होती है, ऐसी 8 प्रकार की विचित्र प्रकार की सिद्धियां रहती हैं, जिसमें वशीकरण है, सम्मोहन है, उच्चाटन है, विद्वेषण है, स्तंभन है। इन सिद्धियों को करने के लिए अन्य मतों में वसीर मंत्र इत्यादि का प्रयोग होता है। वे वसीर मंत्र होते हैं जिन्हों को शमशान घाट में जाकर के और मुर्दों के ऊपर प्रयोग करके किया जाता है। किसी को स्तंभन की सिद्धि होती है, किसी को सम्मोहन की, किसी को उच्चाटन की, किसी को विद्वेषण की। कई जगह आपने सुना होगा ना कि उसने मूठ मार दी तो वो मर गया। ये सब सिद्धियां वहां पे बैठ करके अन्य मत के तांत्रिक इत्यादि किया करते थे। ठीक ऐसे ही एक तांत्रिक के मन के अंदर विशेष प्रकार की सिद्धियां करने की भावना हुई, तो वो वहां से अपने उपास्य से चल करके और 12:15 बजे के करीब आ गया शमशान घाट में। कुत्ते बहुत दूर थोड़ी थोड़ी आवाज में चिल्ला रहे थे, कहीं रो रहे थे, बिल्कुल सन्नाटा छाया था। और उस सन्नाटे के बीच में उस तांत्रिक ने आसपास में पड़ी हुई 2-3 खोपड़ियों को उठा करके चयन करना चाहा। एक बड़ी सी खोपड़ी उस तांत्रिक के हाथ में लग गई। मुर्दे का जलने के बाद जो हड्डी होती है वो हड्डी लग गई। वो हड्डी भगोनी के आकार की थी, ऊपर का भाग जब फूट जाता है ना तो प्याला जैसा हो जाता है। उस प्याले के अंदर के थोड़े से मांस इत्यादि पदार्थ को धो पोंछ करके उस तांत्रिक को जो सिद्धि करनी थी, उस सिद्धि में उस तांत्रिक ने सबसे पहले एक खोपड़ी ढूंढी, उस खोपड़ी में दूध भर दिया और उसमें चावल डाल दिए, दूध और चावल डाल दिए, और विशेष प्रकार की हड्डी से मंत्र पढ़ते हुए उस चावल और दूध को मिला दिया। अब दूध और चावल को मिला करके तंत्र के माध्यम से उसको वहां पर खीर बनानी थी, तो वो सोचता है कि चूल्हा कैसे बनेगा। तो उसको उनने देखा कि उस तांत्रिक ने कि कुछ मुर्दे जल रहे हैं और एक मुर्दा तो ये सामने ही पड़ा हुआ है, जो जीवित साक्षात वहां पर दिगंबर मुनि महाराज थे। तांत्रिक को ये शंका हो गई, भय शंका क्या, निस्संग था कि एक मुर्दा ये पड़ा है। 2 मुर्दे वो जलती छिटाओं से घसीट करके लाया और मुनि महाराज के सिर के बगल से एक मुर्दा लगाया, एक मुर्दा यहां लगाया। महाराज सब आसन में लेटे हैं, वो अपने ध्यान में लीन है, उनकी समता का कोई पारावार नहीं है। 3 मुर्दों से चूल्हा जैसा आकार बन गया, कल्पना करो। उसके ऊपर उसने, उस तांत्रिक ने वो पात्र रख दिया, खोपड़ी जिसके ऊपर उसने दूध और चावल मिलाया था, उस पात्र को रख करके बराबर हिला करके देखा, पात्र बिल्कुल स्थिर हो गया और एक पाषाण पर बैठ करके वो सबसे पहले वहां पर मंत्र का जाप करने लगा। जो भी मंत्र थे वशीकरण, स्तंभन इत्यादि के लिए, अब उन मंत्र का जाप करने के बाद आप देखिए कि ये वशीकरण, स्तंभन, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन के मंत्र आपके जैन धर्म में भी हैं, ऐसे नहीं कि जैन धर्म में ये मंत्र नहीं है। और वहां पर तो ऐसी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, आपके यहां तो बिल्कुल अलग ही व्यवस्था है। उसने मणिमाली मुनि महाराज को मुर्दा समझ करके 2 मुर्दे और जोड़े, ऊपर एक कपाल में दूध और चावल रख दिया और मंत्र पढ़ने के साथ ही लकड़ी में, जैसे ही मंत्र पढ़ने के बाद फूका तो अपने आप उस लकड़ी में अग्नि प्रज्वलित हो गई। स्तंभन, सम्मोहन, उच्चाटन के लिए
आपके यहां क्या मंत्र है महाराज? आप लोग भी चाहते होंगे ना किसी को सम्मोहित करना। जैन कुल में आ गए हैं इसका ये मतलब थोड़ी कि हम सम्मोहन नहीं चाहते हैं। चाहते हैं तभी तो पेपर में पढ़ते हैं। बसीकरण टोना टोटका वाले जब वो एड छपते हैं पेपर में तो टीन एजर्स के बच्चे बहुत गौर से पढ़ते हैं। प्रेम का नहीं मिल रही हो, धन नहीं मिल रहा हो, संपत्ति नहीं मिल रही हो, जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं हो रहा हो, गड़ा हुआ धन चाहिए हो, तो उसमें लिखता है बाबा फलाने औलिया दरबार इतने बजे से इतने बजे तक। सब कोई पूछते हैं, फोन लगाते हैं, चले जाते हैं। पंचम काल की बलिहारी है। लेकिन जैन दर्शन में भी इन आठ शक्तियों को सिद्ध करने की एक मंत्र की व्यवस्था है। महाराज बता दो थोड़ा सा। सुना है कि ज्यादा दिन के नहीं हैं आप। नहीं नहीं हम तो ज्यादा दिन के हैं, आप ज्यादा दिन के नहीं हैं। महाराज मंत्र बता दो। आकृष्टिम सुरसम पदाम विदधते मुक्तिश्रियो वस्यताम मुच्चाटम विद्वेषणम मात्मैनसाम स्तंभम दुर्गमनम प्रति प्रतितो मोहस सम्मोहनम पायात पंच नमस्क्रियाक्षरमयी साराधना देवता। ये आपके यहाँ का सूत्र है। पंच नमस्कार मंत्र को बताया है कि पंच नमस्कार मंत्र रूपी इस देवता की जो भी आराधना करता है, आकृष्टिम सुर संपदाम, सुरों की देवताओं की संपत्ति को आकर्षित करने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। आकृष्टिम सुर संपदाम विदधते मुक्तिश्रियो वस्यता, और मुक्ति रूपी लक्ष्मी का वशीकरण मंत्र है कौन सा? पंच नमस्कार। महाराज रोज फेरते कछु नहीं होए, फालतू की बातें हैं, जिंदगी गुजर गई माला फेरत फेरत। एक गुड़िया भी अगर सफल भव हो तो तरीका गलत है बंधुओं, मंत्र तो सही है। वही मंत्र है गुरुदेव एक 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ देते हैं और दुनिया में बड़े बड़े परिवर्तन ले आते हैं। उसी परिवर्तन की माला फेरते आपने करोड़ों मंत्र की माला फेरी, जीवन में इतना सा भी अक्षय नमोकार मंत्र का आज तक दिखाई नहीं दिया होगा। उसमें मंत्र की गलती नहीं है, आपके परिणामों की गलती है। आकृष्टिम सुरसम पदाम विदधते मुक्तिश्रियो वस्यता मुच्चाटम विपदाम चतुर्गति भुवाम। उच्चाटन करने की शक्ति भी उस मंत्र में है। चारों गतियों में जो दुख मिलता है उस सबका उच्चाटन हो जाता है। स्तंभम करने की शक्ति भी उसी पंच नमस्कार मंत्र में है। उसकी एक विधि है बंतु, नमोकार मंत्र के जब आप उपवास लेंगे उस उपवास के साथ इस विधि का पालन करने पर वो विधि और नमोकार मंत्र किसी भी गृहस्थ को भी सिद्ध हो जाते हैं। समय आने पर मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो आप आके हमारे कमरे में हमसे पूछ भी सकते हैं अगर मैं बताने में चूक जाऊं तो। मणिमाली मुनि महाराज के ऊपर चूल्हा रख दिया, खोपड़ी रख दी, नीचे से उस तांत्रिक ने लकड़ी तो लगाई लेकिन अग्नि लगाने के लिए उसने किसी चिता की अग्नि न लगा करके मंत्र की शक्ति से अग्नि प्रज्वलित कर दी और वो पूरी की पूरी कपाल धीरे धीरे गर्म होने लगा। सिर्फ वो कपाल ही गर्म नहीं हो रहा था, जिसका चूल्हा बनाया था, जैसे ईंटा का चूल्हा बनाते हैं तो ईंटा भी गर्म हो जाते हैं, ठीक ऐसे ही दो मुर्दों के कपाल भी गर्म हो रहे थे। साथ ही साथ सामने वे जो मणिमाली मुनि महाराज सो रहे थे, लेटे हुए थे शवासन लगा करके, उस शवासन के अंदर भी उनके अंदर भी उनको चेतना बताने लगी कि पीछे से कुछ उपसर्ग हो गया है। समझ में तो पहली बार में ही आ गया था। जब माथे के ऊपर किसी और की हड्डी का स्पर्श होता है तो ऐसा थोड़ी कि पता नहीं चलता, पता तो चल गया था लेकिन महाराज टस से मस नहीं हुए, लेटे रहे, देख रहे थे क्या होता है, क्या परिणति है। पहले तो अपना धैर्य परख रहे थे, चुपचाप फिर जब आग लग गई, आग लगने के बाद जब वो अग्नि धीरे धीरे करके महाराज के सिर में वेदना पैदा करने लगी, कितना देर लगता है आग को सिर जलाने में आप बताइए, कितनी देर है? छुआ नहीं कि गड्ढा पड़ा। उस पर गुणमाली मणिमाली मुनि महाराज ने बहुत देर तक अग्नि सहली और अंदर ही अंदर चिंतन कर रहे कुंदकुंद भगवान की गाथा का कि गुण सागर मुनि महाराज धन्य है, उन्होंने क्या कारिका मेरे दिमाग में धर दी थी। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन, असैव अभाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचन।
गाथा उनके दिमाग में चल रही है, आग से सिर जल रहा है, दिमाग के अंदर ठंडे करने के लिए वो ज्ञानामृत की वर्षा खुद कर रहे हैं। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन, आज तक जितने भी सृष्टि पर सिद्ध परमेष्टि को बने हैं, जितने भी लोगों को सिद्धियां हुई हैं, सिद्ध परमेष्टि की पर्याय मिलती है सिर्फ एक बल पर, भेद विज्ञानतः सिद्धा। भेद विज्ञान ना हो नहीं मिलती, शरीर अलग मैं अलग, भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन। और फिर कैसे, असैव अभाव तो बद्धा, और इसके अभाव में संसार में जितना भी बंध है, कितनी भी ऊंची साधना करो, लेकिन अगर भेद विज्ञान में प्रवीणता ना मिली, संसार में सुख तो मिल सकता है, मुक्ति नहीं मिल सकती। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन, असैव अभाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचन। जितने भी संसार में बंधे हैं, कितनी भी साधना कर ली हो स्वर्ग की ऊंचाइयों को छूने वाली, लेकिन ध्यान रखना भेद विज्ञान सिद्ध ना हुआ, संसार में बैठे हो, ये बैठना ही बताता है कि साधना भेद विज्ञान के अभाव में व्यर्थ चली गई। महाराज अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि पर को नहीं जानने पर कितनी वेदना भोगता है यह संसारी जीव। चिंतन चल, यहां आग लगी है, यहां चिंतन चल रहा है, सोचो आप। ऐसा ही एक और अनुभव मेरे जीवन में घटित हुआ, जब हम लोग अमरकंटक जा रहे थे तो सरस्वती के पुत्र कहे जाने वाले मुनि श्री प्रणम्ब सागर जी महाराज, उनको पैर में एक कीचड़ का कांटा घुस गया। कीचड़ का कांटा बहुत सलाता है, चार चीजें दुनिया में बहुत सलाती हैं, खूब क्या सलाती है महाराज, तो माता साले सौत की, क्या माता साले सौत की, जो सौतेली माँ होती है बहुत सलाती है, और बघरिया घाम, कुमार के महीने में जो घाम होता है ना धूप, उससे जंगल में रहने वाले हिरण तक काले पड़ जाते हैं, और सौंझ को कांटा साले कीच को, कीचड़ का जो कांटा लगता है वो 3-4-5 दिन तक कीचड़ के साथ बबूल का कांटा गड़ जाए तो 5-7 दिन तक खूब वेदना करता है, ऐसा लगता है कि अंदर पक गया है और ये ठीक नहीं होगा। और सौंझ को काम, साझेदारी पार्टनरशिप पर जितने काम है संसार में बहुत दुख देते हैं, माता साले सौत की और बघरिया गाम, कांटा साले कीच को और सौंझ को काम, ये चार चीजें जीवन में हमेशा दुख देती, हमेशा हमेशा दुख दिया है आज तक, तब तो कवियों ने लिख दिया। तो मुनि श्री प्रणम्ब सागर जी महाराज को अमरकंटा आते वक्त जैसे ही वो जंगल में उतरे तो बबूल का इतना बड़ा कांटा पैर में गड़ गया, तो उस कांटे के दर्द को निकालने के लिए गुरुदेव ने कहा कि इनको चटका लगाओ राख का। तो राख को ले लिया, उसमें मिट्टी का तेल डाल दिया, मिट्टी का तेल डाल करके जहां पे दर्द था उसमें पूरी राख लगा दी और ऊपर से ऐसी माचिस की तीली से उसको जला दिया। अब जलाने पर राख गर्म होती, राख गर्म होती तो जैसे बहुत तेज गर्म हो जाए तो जिसको कोई भी महाराज है कोई भी व्यक्ति है वो चिल्लाता है बस 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 हो गया हो गया हो गया हो गया, तो उसको दबा दिया, दबा दिया तो उस राख की गर्माहट से अंदर के उस कांटे के दर्द में आराम मिलता है, उसमें अंदर तक सिकाई हो जाती है। ये प्रक्रिया है नेचुरोपैथी की, बंधु करते हैं, हम लोगों को आदत है इस चीज को करने की। तो जब मैं आपको बताता हूं कि जैसे वो मणिमाली मुनि महाराज के सिर के ऊपर अग्नि चल रही थी, मणिमाली मुनि महाराज नहीं हिले, ठीक ऐसे ही वे सरस्वती के पुत्र मुनि श्री प्रणम्ब सागर जी महाराज, उनके पैर में चटका लगाया, चटका लगाया तो वो आग धीरे धीरे लपट के रूप में बढ़ने लगी। प्रणम्ब सागर जी महाराज क्या कहते हैं, तुम क्या सोचते हो क्या मैं ये अपना पैर हिलाऊंगा, सुनो ये पैर जल भी जाएगा ना तो प्रणम्ब सागर अपना पैर नहीं हिलाने वाला, समझे, तुमको जो करना है सो करो, ऐसे प्रणम्ब सागर जी महाराज ने बोल दिया। अब ये लगा कि महाराज के पैर में चटका तो लगा दिया है, लेकिन महाराज ने कह दिया है चाहे खाल जल भी जाए प्रणम्ब सागर अपना पैर नहीं हिलाने वाला,
तो अतुल सागर जी मुनि महाराज थे उस समय अमरकंटक में, उन्होंने देखा कि थोड़ा समय हो गया है और उनने उसको बंद कर दिया और दबा दिया। जब वो ठीक हो गया 8 दिन बाद, तो महाराज जी कहते हैं अगर उस राख से मेरा पूरा पैर जल भी जाता ना, तो विश्वास रखो मैं कभी पैर हिलाता नहीं। ऐसे वो महान मुनि महाराज पता नहीं किस पुण्य से इस धरती पर आकर के मुनि के रूप में घूम रहे हैं, अभी जबलपुर में है और सुना है इस बार चतुर्मास पनागर में करने वाले हैं। बड़ा सौभाग्य है उनका, जो भी उनकी सन्निधि पाता है गद गद और धन्य धन्य हो जाता है। वैसे ही जैसे वो मणिमाली मुनि महाराज सिर की जलती हुई अग्नि से विचलित नहीं, इस पंचम काल में भी आप देख लीजिए कि ऐसे साधु हैं कि उनके जीवन के ये अंतरंग के वे पल जो आपने कभी ना देखे होंगे ना सुने होंगे, हमने अपनी आंख से देखा है। जब सिमिट्री बैठाते हैं प्रथमा ने की कथानक से गुरुदेव के शिष्यों की, तो लगता है कि गुरुदेव क्या खूब संवारा है मुनि महाराजों को। जैसा शास्त्रों में प्रथमा नियोग में लिखा, ऐसे एक एक अनुभव को कर करके, साधना को प्रवीण करके, निखर करके, हीरे के जैसे बन करके बैठे। ऐसे कहते हैं पवित्र साधुओं के बगल में बैठ जाना भी जीवन का बहुत अपूर्व अवसर होता है। बन जाना तो बहुत बड़ी बात, उनके बगल में बैठ जाना, उनको देख लेना, उनको नमोस्तु कर लेना, ये भी हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है। बहुत सौभाग्य है कि चातुर्मास मिल जाए और चातुर्मास में दिन रात महाराज की सेवा में करते 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 पूरे दिन निकल जाए। इंदौर में था एक परिवार, पूरा का पूरे परिवार जब लॉकडाउन लगा तो गृहस्थ क्या बोलता है, पत्नी बच्चे पुत्र पुत्री के साथ लॉकडाउन में दुकान बंद करी और गुरुदेव के पास आकर के चौंका लगाने लगा। कहता है महाराज अब जब तक आचार्य श्री जी इंदौर में रहेंगे मेरी दुकान बंद रहेगी। हमने कहा जब तक, बहुत बड़ी बात है, सोच लो जैन साहब। बोले महाराज पिछले 32 साल से चल रही है, एक साल नहीं चलेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगले साल फिर चलाएंगे, लेकिन एक साल पूरा धर्म ध्यान करेंगे चाहे कुछ हो जाए। और बराबर उन्होंने इंदौर का वो परिवार गुरुदेव की और पूरे संघ की ऐसी बह्यवृत्ति करी, अभी यहाँ पर भी उनका आना हुआ था, थोड़ा टमक टू होकर के चल रहे थे, एक लाठी टूट गई थी, सब कोई जानने लगे उनको। क्यों? क्योंकि वैयवृत्ति के माध्यम से साधु के दिल में प्रवेश करना अलग कीमत होती है। मणिमाली मुनि महाराज को जैसे ही शरीर में आग लगी और उनका चिंतन अंदर से चल रहा था कि पर को अपना मानने पर कितनी वेदना भोगनी पड़ती है, कैसे कैसे कष्ट उठाने पड़ते हैं, अस्सैव अभाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचना। और जब वो धीरे धीरे उग्र होती गई, चिंतन प्रवीण होता गया, मन की शुद्धि और वचन की शुद्धि बनी थी, लेकिन काया में वो दर्द ज़्यादा देर तक ना सह पाए और मूर्छित हो गए। जब मूर्छित हुए तो मूर्छित होने पर गर्दन ऐसी थी तो ऐसी हो गई, और जब थोड़ी सी गर्दन ऐसी हुई तो वो जो ऊपर का पात्र था और पात्र में उबलती खीर थी, वो उबलती खीर वहीं पर गिर गई। महाराज जीवित हैं बंधुओं, पीछे आग लग करके ये भाग, सोचो आप कल्पना करो कि सिर के ऊपर से गर्दन के पीछे का बाहों का ये भाग जल गया हो और खीर का पात्र टेढ़ा होने पर खीर उसी जले हुए पर और गिर गई हो। महाराज क्या मूर्छा में चले गए, महाराज को तो होश नहीं कि शरीर के साथ क्या हो गया, वो चिंतन करते करते मूर्छा में चले गए। धैर्य की पराकाष्ठा है, साधना की पराकाष्ठा है, समता की पराकाष्ठा है। बंधु देखो क्या पराकाष्ठा होती है, अनुभव तो करो कैसा लगता है। मूर्छा में चले गए, वो तांत्रिक घबरा गया, तांत्रिक घबरा करके क्या बोलता है, मेरी वो सिद्धि व्यर्थ हो गई और जिस देवी को मैं सिद्ध करने वाला था वो देवी रुष्ट हो गई है, इसलिए उसने पूरा खीर का पात्र गिरा दिया। अब वो बदहवास होकर के वो तांत्रिक उस पूरे शमशान घाट को छोड़ करके कि भूत 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 भाग गया। मुर्दे तो मुर्दे थे, दो तो पड़े थे, लेकिन मणिमाली मुनि महाराज जो कभी महाराजा हुआ करते थे, राजा हुआ करता था जो व्यक्ति कभी,
गुरुओं ने समता की वो परिभाषा सिखा दी जिसको किसी की ऊंची आंख पसंद नहीं थी, आज किसी ने पूरा सिर जला दिया तो आंख खोल करके नहीं देख रहा। साधु बनने के बाद कैसा बदल जाता है आदमी, सोचो आप। अपन समझते हैं हमारे घर का लड़का है, अभी 5 साल तो हुआ दीक्षा लिए हुए, लेकिन ऐसा नहीं बंधुओं। जब दिगंबर आचार्य जिनके खुद के ब्रह्मचर्य की अति अतिशयकारी पवित्रता हो, वो जब शिष्य के मस्तक पर दीक्षा देते वक्त अपना हाथ रख देते हैं तो हाथ रखने के साथ साथ अपनी पूरी पवित्रता के परमाणु भी उस शिष्य के अंदर डाल देते हैं। उन परमाणुओं से शिष्य का जीवन चलता है बंधु। शिष्य एक बार दीक्षित होने के साथ ही आमूल चूल बदल जाता है। वो मणिमाली मुनि महाराज गुणसागर मुनिराज की दीक्षा से ऐसे परिवर्तित हो गए कि जिन राजा की पर्याय में जिस मणिमाली को किसी की ऊंची हुई आवाज या आंख पसंद नहीं थी, आज पूरा पीछे का भाग जला दिया, महाराज ने अपने मुख से उफ तक नहीं कहा। कैसा लगता होगा, कल्पना करो बंधुओं, कल्पना। क्या तुम्हारे साधु के अंदर समता और ताकत है? तुम क्या सोचते हो साधुओं के बारे में और साधु क्या सोचते हैं जिन धर्म के बारे में? मूर्छित हो गए पड़े थे, अब पड़े तो पूरी रात निकल गई, ऊपर से उसके ऊपर खीर पड़ी हुई है, गरम गरम खीर उसी घाव के ऊपर लग गई। महाराज मूर्छा में लेकिन मरे नहीं, जीवित हैं। धक धक यहाँ पर आवाज चल रही है, यहाँ पर रात भर में उस शमशान घाट में उस रक्त के प्रवाह के कारण थोड़े छोटे छोटे चीटे आकर के धीरे धीरे उस घाव को खाने लगे। रात में कोई मुर्दा अगर जंगल में मर जाए और उसको खुला छोड़ दो तो उस परिणति को देखना बंधुओं, घर के अंदर ही देख लेना। रात में किसी की डेथ हो जाती है तो उसके चारों तरफ चूने का या आटे की लाइन लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई कीड़ा मकोड़ा देह को खाने आएगा तो कम से कम इस आटे से इस तरफ रुक जाएगा, उधर नहीं जाएगा। तो चारों तरफ एक बाउंड्री जैसी बना देते हैं, कभी चूने की बना देते हैं, कभी आटे की बना देते हैं, कभी देखिएगा। क्यों? क्योंकि अब मुर्दे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बचाने की कीड़े मकोड़ों से। तो कोई मक्खी है, चींटी है, चीटा है, छोटे छोटे उड़ने वाले पंखी हैं, ये सब बैठ करके जब खाते हैं ना तो यहाँ से खाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं छेद करते हुए, हजारों छेद दिखाई देते हैं सब के अंदर, अगर एक रात जंगल में पड़ा रह जाए अकेला तो। अब मणिमाली मुनि महाराज जीवित हैं, छोटे छोटे चीटों ने उस महाराज के जले हुए भाग को खाना शुरू कर दिया। शरीर में उष्मा थी, शरीर में उष्मा है तो कीड़ा पास नहीं आता, चीटा आपके पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप जीवित हैं, मरे के पास आकर के कहीं से भी खाना शुरू कर देगा। खाना शुरू किया और ऐसे करते 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 12 बजे ये प्रक्रिया शुरू हुई होगी। सुबह 4:30-5 बजे वहां पर एक माली पहुंचता है, माली पहुंचता है फूल चुनने के लिए। जैसे आपके यहाँ बाजार में माली होते फूल बेचते हैं, तो उस शमशान घाट के बगल में जो उपवन था वहाँ बहुत सारे फूल लगे थे, उन फूलों को चुनने के लिए माली पहुँचता है। तो माली देखता है कि यहाँ पर पीछे कमंडल रखा है और महाराज लेटे हैं, और लेटे होने के बाद महाराज का सिर जल गया है और बगल में 2 मुर्दे भी पड़े हैं। माली घबरा करके जाकर के देखता है तो समझ जाता है कि रात में किसी मन ने मंद साधना की कोई प्रक्रिया की होगी और जीवित मुनि महाराज को मुर्दा समझ लिया। फिर क्या, माली फूल की टोकरी वहीं फेंक करके भागता हुआ सीधे नगर में आता है और जितने भी जैन मतावलंबी थे सबको बताता है। जिनदत्त आदि सेठ थे वहां पे, कई बड़े बड़े सेठ थे, सब सेठों को जाके बताता है कि शमशान घाट में एक मुनि महाराज जी हैं, उन मुनि महाराज जी का पूरा सिर जल गया है, चलो उनको देखो, उनको बचाओ, उनकी वैयावत्ती करो। सिर्फ एक को सूचना नहीं दी, सबको सूचना दी, सारे के सारे सेठ पहुंच गए एक साथ मुनि महाराज की उस स्थिति को देखने के लिए। सारे के सारे सेठ पहुंच गए, सब सोचने लगे, देखो तो किसने दिगंबर साधु के ऊपर ऐसा उपसर्ग किया, कौन था वो पापी, कौन वो मांत्रिक था जिससे नहीं रहा गया और उसने साधु के ऊपर ऐसा भयंकर उपसर्ग कर दिया है, क्या होगा। और सारे सेठों ने संवेदनाएं व्यक्त की,
किया, महाराज को देखा और धीरे धीरे करके उठाओ। उठाने की जब बात आई तो सारे सेठ लोग भैया उठाओ 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 उठाओ, कैसा करते हैं आप लोग, परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो कैसा करते हो, कौन हाथ लगाए, जो न हाथ लगाए वही के सिर पे आएंगे क्या, उठाओ भैया उठाओ, हाँ बड़े तुम उठाओ, तुम हाँ कल्लू तुम उठाओ। अबे कल्लू उठा रहे कि बड़े उठा रहे कि छोटे उठा रहे, संवेदनाएं बहुत हैं लेकिन जवाबदारी कोई नहीं लेना चाहता। जवाबदारी ले लेंगे तो संभालना पड़ेगा, फिर कौन संभालेगा। ये स्थितियां उस समय घटी थी, ऐसा नहीं आज भी घटती है बंधुओं। देवशास गुरु क्या, किसी भी परिस्थितियों में आप हमेशा जवाबदारी से भागते हैं। महाराज का चातुर्मास कराना है, हाउ कलश रख दो स्थापना, महाराज को रुकना है, महाराज की स्थापना है, कलश की हो गई, महाराज को स्थापना करा दी, खुद भग लिए। बोले महाराज आपकी हुई है कलश स्थापना, हमारी थोड़ी हुई है, हम तो स्वतंत्र हैं। तो फिर धंधा करना है, चीन जाएंगे, जापान जाएंगे, इंडोनेशिया जाएंगे, बैंकॉक जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, खरीदी करेंगे, ये करें। महाराज इतने व्यस्त हैं चतुर्मास में तो और फुर्सत नहीं मिलती। भैया क्यों चतुर्मास की स्थापना कराई थी, हमारी कराई थी क्या? अरे हमने की थी महाराज कि संकल्प लेते हैं नगर में मुनि महाराज रुकेंगे, तो जब तक महाराज रहेंगे तब तक मैं नगर को छोड़ करके कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। इसको कहते हैं चतुर्मास की स्थापना, दोनों के मिलने से धर्म ज्ञान होता। महाराज तो जंगल में भी कर लेंगे बंधुओं, सावा की कोई जरूरत नहीं है, वो गया जमाना, फिर से वही चतुर्थ काल आने वाला है। जंगल में महाराज बैठे हैं, जिनको धर्म ध्यान करना है वो महाराज को दूरते दूरते जंगल पहुंच जाएंगे। और अभी आप देखिएगा हम जंगल में जाके बैठेंगे और लोग वहां पर भी पहुंच जाएंगे। फिर जैसे ही जवाबदारी की बात आई, उठाओ उठाओ उठाओ, तो सेठियों में जैन धर्मावलंबी होने के बावजूद कई सेठ ने एक दूसरे के ऊपर मुंह देखा, मुखा ताकी करी और पीछे हाथ खिसकाया। एक सेठ को ऐसा लगा कि इस समय हाथ पीछे किया तो महाराज का प्राणांत हो जाएगा, ये समय सोचने विचारने का नहीं है, कर गुजरने का है। और जिंदत सेठ ने महाराज को वैसी की वैसी अपने हाथ में उठा लिया, उठा करके अपने घर में ला करके मुनि महाराज को रखा। सोचो क्या वैयावृत्ति क्या होती है, कथानक से सीखना है। धैर्य क्या होता है, समता क्या होती है, मंत्र शक्तियां क्या होती हैं, लोभ क्या होता है, लालच क्या होती है, परिस्थितियां क्या होती हैं, परिणाम कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हमको इस कथानक से देखनी है। जिनदत्त सेठ उठा करके अपने घर में ले आए, ला करके रख दिया, सबसे अच्छे वैद्य को ला करके दिखाया। वैद्य ने नाड़ी पकड़ करके देखा, महाराज प्राण तो बिल्कुल सुरक्षित हैं लेकिन देह का बहु भाग जल गया। जैसे आप कभी बर्न यूनिट्स में जाकर के आप हॉस्पिटलाइज हो गए, किसी लोगों को देखो 60% जल गया, 40% जल गया, 80% जल गया, 65% से ऊपर जलने वालों के बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। आधी से ज़्यादा देह जल जाती है तो फिर डॉक्टर और घर वाले खुद प्रार्थना करते हैं कि मर जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि बच जाएगा तो जीवन भर कष्ट देगा, कष्ट भोगेगा। थोड़ी सी आग लगती है, यहाँ की चमड़ी यहाँ जुड़ जाती है, ऐसा चिपक जाता है, मुंह यहाँ का यहाँ चिपक जाता है, ऐसा फैल जाता है, दाग धब्बे हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में उस औदारिक देह के साथ जीना भी मरने से बदतर होता है बंधुओं। तो 65% से ऊपर अगर कोई जल जाता है तो घर वाले खुद प्रार्थना करते हैं भगवान इसको उठा लो, सो ही अच्छा, अब इसको घर में नहीं रखना। मुनि महाराज के पीछे की जला हुआ भाग को देख करके वैद्य कहते हैं अभी महाराज के प्राण हैं, कुछ नहीं, जिंदत आप इनकी सिर्फ अच्छे से सेवा करिएगा, महाराज ठीक हो जाएंगे। हाँ जिंदत की आंख से आंसू नहीं रुक रहा, जिंदत सोचता है क्या ना कर दूं इस साधु के लिए, कैसे भी हो लेकिन मुनि महाराज के प्राण बचने चाहिए। हर प्रकार की वैयावृत्ति करेंगे। उस व्यक्ति ने कभी पलट करके किसी से ये नहीं पूछा कि वैयावृत्ति में तुम सहयोग करोगे क्या, खुद की पत्नी को, खुद के पुत्र को खुद तैयार हो गया, हम उठा करके लाए हैं, हमारा कर्तव्य है, हम साधु को संभाल लेंगे, आप तो बताओ कि करना क्या है। मूर्छा में है महाराज, इनके उस पीछे के पूरे बहुभाग को जो जल गया है, इसको जले हुए भाग में
अभी गरम गरम इसके ऊपर पदार्थ भी पड़े हैं, ठंडक लाने के लिए लाक्षामूल का तेल लगाना पड़ेगा, लगा देंगे। चिंतक सोचता है करोड़ों सौर मुद्राएं रखी हैं, लाक्षामूल का तेल लगा दूंगा। अब वो जिंदत इतना घबराया है महाराज की उस दशा को देख करके, पलटा करके देखा महाराज मूर्छित थे, बहु भाग जल गया था पीछे का। वैद्य जी ये लाक्षामूल तेल कहाँ मिलता है ये और बता दीजिए। ये गांव में सोम शर्मा ब्राह्मण की स्त्री है, भद्रा नाम है उसका, लोग उसको तुंकारी के नाम से जानते हैं। उसके यहाँ चले जाओ और लाक्षामूल का तेल ले आओ, उस लाक्षामूल के तेल से इन साधु का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जिनदत्त सेठ सोने की दो थैलियां उठाता, उठा करके तेल लेने के लिए, महाराज को बचाना है, महाराज के प्राण बच जाएं। पत्नी से कहता है, पुत्र से कहता है, बेटा तुम देखना यहाँ पर मैं तेल लेकर के आता हूँ। और निकल गया तेल लेने के लिए, भद्रा का दरवाज़ा खटखटाया, बहुत तेज खटखटाहट हो रही थी। खटखटाहट सुनते साथ ही स्त्री अंदर से बाहर निकलती है, जिंदत्त सेठ को देखती है, कहती है, कहिए सेठ जी कैसे मेरे घर में आना हुआ, अभी मैं बहुत विपत्ति में हूँ, मेरा समय खराब चल रहा है, मेरे घर में दिगंबर साधु मुनि महाराज हैं, उनके पूरे सिर जल गया है और उस जले हुए तेल में लाक्षामूल तेल लगाना है। वैद्य जी ने बताया आपके पास वो तेल है, कृपा करके मुझे वो तेल दे दो जिससे मेरे साधु के प्राण बच जाएं। कभी ऐसा हाथ जोड़ा किसी के लिए, जोड़ा कभी? भैया बात मान लो, महाराज आहार नहीं कर रहे, बात मान लो साधु गांव में नहीं आ रहे, बात मान लो साधु का चातुर्मास करना है, कभी जोड़ा? कभी जोड़ना, देखना कि अंदर अनुभूति होगी कि साधु के लिए मैंने हाथ जोड़ा था, वो साधना अलग तरीके से फलीभूत होती है। लड़की के ब्याह के लिए तो खूब बार हाथ जोड़ा होगा, पाप करने के बाद कई बार हाथ जोड़े होंगे, एक बार जीवन में ऐसा भी मौका ढूंढना कि साधु की भैया व्यक्ति के निमित्त से हाथ जोड़ सकूं कहीं पे। भैया मौका तो मुझे चाहिए, चाहे कुछ हो जाए मैं ये मौका नहीं छोड़ सकता। पहली बार मौका मिला है, महाराज ने समझाया है इस तरीके की भैया व्यक्ति मैं करूंगा, बस इसमें धन मेरा लगेगा, जीवन मेरा लगेगा, हाथ जोड़ना। जिंदत सेठ हाथ जोड़ रहा है भद्रा के सामने, लाक्षामूल का तेल होगा दे दीजिए। हाँ सेठ जी घबराओ मत, अलमारी पे रखा है, खुद खोल के ले जाओ, मैं अभी अशुद्धि में हूँ, मैं तेल को छू नहीं सकती। उठा लूँ? हाँ, इसके पतले में आपको जो भी द्रव्य चाहिए है आप ले लीजिए। सोने की खनकती हुई मुद्राओं की दो थैलियाँ उठा करके जिंदत सेठ ने भद्रा के सामने रख दी। भद्रा बोलती है, आप क्या सोचते हैं सेठ जी, दिगंबर मुनि महाराज को वैयावृत्ति में तेल लगाना है, उस तेल के लिए मैं आपसे धन लूंगी, क्या मैं इतनी गिरी हुई हूं? सोचिए आप, और उस परिस्थितियों से आज की तुलना करके देखिए। जब आपके नगर में किसी साधु का चातुर्मास होता हो, उनको मान लीजिए कोई भयानक रोग हो गया, टीबी हो गई, या फिर किसी विशेष प्रकार की औषधियां चल रही हो, विशेष प्रकार का भोज पदार्थ चल रहा हो, उसमें मान लीजिए वैद्य ने बता दिया स्वर्ण बस आनी है, एक गोली की कीमत 700-800 रुपए है, कोई तेल विशेष प्रकार का आना है, तो आप क्या करते हैं बताइए? आप पंचम काल के साधु, बताओ शाम को पंचम काल के तेल ले आए बाजार से, उसकी एक बिल बनवा दिया, बिल बनवा करके समाज के कोषाध्यक्ष को दे दिया, महाराज की भैया बत्ती के लिए 2 cc तेल लेकर के आए थे, इसका बिल पास कर देना। ऐसे भी समाज में निकृष्ट जैन समाज के लोग होते हैं कि साधु की भैया बत्ती करने का जो अपूर्व मौका मिलता है उसमें भी बिल कटवा के लाते हैं, लगा देते हैं। चिन्मय सागर जी महाराज थे, मुझे याद है उनका पूर्व अवस्था में जहां मैं रहता था वहां पे चातुर्मास की घोषणा हुई, लेकिन महाराज जी ने ठंडी का मौका, ठंडी का समय गुजारा, तो महाराज जी को अंदर छाती में कर्क रोग हो गया था, उस रोग के कारण छाती गल रही थी, तो अनार का रस देना पड़ता था। अभी तो महाराज जी समाधिस्थ हो गए, संलेखना हो गई उनकी,
अनार का रस देना पड़ता था, तो उस मौसम में अनार का रस इतना खट्टा होता था और ठंडा होता था कि पिलाने वाले के प्राण निकल जाते थे, लेकिन उनको दवाई के साथ देना। अब ऐसी संयोजना बन गई कि वो अनार का रस, अनार मिलना मुश्किल हो गया। लेकिन बह्यवृत्ति करने वालों में मैंने देखा एक दो लोगों को, दुनिया में कहीं भी हो, साधु के लिए पेटी समय पे आ जाए, रस निकल जाए और लग जाए। हम उनसे पूछते थे, क्यों कहाँ से लाते हो? एक ही बात बोलते थे, भैया कहीं से भी आता हो, मुनि महाराज को लग जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। कहीं से भी आता है, खुद वो कान से उनको सुनाई नहीं देता था, बहरे थे थोड़ा सा, तो डॉक्टर थे, और तो उनका नाम फेमस हो गया बहरा डॉक्टर। उनके पुत्र थे, उनके पुत्र से आज भी उनके जीवन काल में आप देखिएगा इतनी पवित्रता है कि संपत्ति जितनी भी कमाई, पूरी संपत्ति को कमाने के बाद उन्होंने जिनालय का निर्माण कर दिया है और पाषाण का जिनालय अपनी द्रव्य से बना दिया। क्यों? द्रव्य छोड़कर के कहाँ जाएंगे? उनका पुत्र था, वो पुत्र क्या कहता है कि भैया कहीं से भी आए, महाराज जी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, लगाओ। तो उनकी ऐसी व्यवस्था बना दी थी कि एक पेटी खत्म होती उसके पहले 5 पेटी ला करके धर देते, मुनि महाराज कोई बह्यवृत्ति में पैसा लग गया, मेरा सौभाग्य है। और आज भी उनके जो पुत्र हैं यही बात कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि महाराज जी का चातुर्मास हो रहा है, मुझसे ये पैसे ले लो, चुपचाप ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बताना तक नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं, श्रावक होते हैं बंधुओं, उससे सीखना है हमको इस बात को कि हमको भी ऐसा करना आना चाहिए। वो भद्रा कहती है, आप क्या सोचते हो, उन मुनि महाराज को तेल लगाना है, उस तेल के बदले मैं आपसे पैसा लूंगी? ये मुझसे नहीं होगा सेठ जी, मैं अशुद्धि में हूं, ये थैली आप खुद उठा लीजिए और शीघ्रता करके तेल लेकर के मेरे घर से बाहर निकल जाइए, मुनि महाराज को कष्ट हो रहा होगा। जिंदत्त सेठ ने कंधे पे मिट्टी के घड़े में तेल रखा था, उसको उठा लिया। अब आप पूछ सकते हैं कि मिट्टी के घड़े में क्यों धरा था? क्योंकि मिट्टी और कांच दो ही ऐसे पदार्थ हैं जिसमें जब आप किसी द्रव को रखते हैं तो उसके द्रव के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता। तो आपने कभी देखा हो मटके की कुल्फी खाई है आप लोगों ने? जब आप गर्मी के दिनों में मटके की कुल्फी खाते हैं तो कुल्हड़ होती है, वो कुल्हड़ के अंदर वो जमाते हैं, उस कुल्हड़ का ये प्रभाव रहता है मिट्टी का कि मिट्टी के सकोरे में दूध का एक भी स्वभाव और गुण खत्म नहीं होता। तो कुल्हड़ वाली चाहे आइसक्रीम खाते हो या दूध पीते हो, उससे दूध की पौष्टिकता पूरी अंदर तक जाती है, फिर वो कांच में रखा हो। तो आप जो अपने घर के अंदर आजकल तेल यूज करते हैं तो प्लास्टिक की बॉटल में आने लगे ना, लेकिन आपने देखा पहले ये सारे तेल कांच की बॉटल में आते थे। जब तक कांच की बॉटल में आते थे इसका कोई भी गुणधर्म खराब नहीं होता था। तो उस तेल का गुणधर्म खराब ना हो इसलिए दूसरे कांसे के, तांबे के, रांगे के, लोहे के पात्र में रखने पर उससे रासायनिक क्रियाएं होती, तेल खराब हो जाता। लेकिन वो तेल खराब ना हो इसलिए भद्रा ने अपने हाथ से मेहनत से बनाया गया तेल मिट्टी के घड़े में रख करके व्यवस्थित बांध करके रख दिया कि किसी भी साधु को, किसी भी व्यक्ति को जब जरूरत पड़े ले जाए। आपको भी ऐसी थोड़ी थोड़ी व्यवस्था घरों में बनानी चाहिए। इससे भी प्रसिद्धि होती है कि फलाने की किराना की दुकान है, उनकी दुकान में दांत के दर्द को तेल फ्री में मिला था। काय भैया, फिर क्या होता, प्रसिद्धि होती है कि दांत के तेल की शीशी, दर्द के तेल की शीशी लौंग का तेल रहता है आधी कितनी की, 500-700 रुपए की। लेकिन अगर आपने उसको फ्री में देना सीख लिया है तो आप एक काढ़ी दर्द के तेल देने के बजाय जो प्रसिद्धि हासिल करते हैं, जो नाम कमाते हैं, वो अद्भुत होता है। ये भी अपने आप में बह्यवृत्ति करने का एक गुण है, श्रावकों का, श्रावकों के लिए भी। भद्रा कहती है आप तो ले जाइए। सेठ ने उठाया, 3-4 कदम सीढ़ी चढ़ करके, चूंकि गांव में बाढ़ आती रहती है तो थोड़ा सा ऊंचा मकान बनाते हैं कि बाढ़ आए तो एकदम से घर के अंदर ना घुसे, थोड़ा ऊंचा मकान था। सीढ़ी से जिंदत सेठ ने अपने कंधे पर घड़ा रखा, सीढ़ी उतर रहे थे कि पांव थोड़ा सा टेढ़ा हुआ
और उसके द्वारे पर ही वो घड़ा फूट गया। पूरा का पूरा तेल का घड़ा मिट्टी का, जिन दत्त सेठ मिट्टी के घड़े के साथ उसी वक्त वहीं सीढ़ी पर गिर गए, गिर गए। चिंदत सेठ कांप गए, क्या एक घड़ा तेल महाराज को लेकर के जाना, हाय रे मेरी फूसी किस्मत कि मेरा पैर आज ही टेढ़ा होना था, घड़ा टूट करके गिर गया, अब मैं क्या करूं। असमंजस में जैसे ही पड़े, सेठ से रहा ना गया, चाहे कुछ हो जाए उस भद्रा को मैं 4,000 सोने की मुद्राएं दे दूंगा, लेकिन ऊपर की अलमारी के खंड पे एक घड़ा और रखा था, एक घड़ा मांग लेता हूं। उठे और भद्रा के पास ऐसे ही पूरे सफेद कुर्ते में, जब वो लाल लाल पूरा तेल पड़ गया, ऐसे जाकर के भद्रा के सामने खड़े होकर बोलते हैं, भद्रा मेरी गलती से वो तेल गिर गया। भद्रा ने पूछा, तेल गिर गया? हाँ। भद्रा मेरा तेल गिर गया, तुम मुझे दूसरा घड़ा दे दोगी? महाराज को बहुत तकलीफ हो रही होगी। भद्रा कहती है, सेठ जी घबराओ मत, दूसरा घड़ा रखा है, ले जाओ। कितना धैर्य है, ले जाओ, इसके बदले में तुम जो चाहो। सेठ जी फालतू की बात मत करो, अभी घड़ा ले जाओ। घड़ा ले जाऊं? सेठ जी ने दूसरा घड़ा उठाया, उसी स्थिति पे कंधे पर घड़ा रखा और चले। चलने पर पहले तो मोच के कारण पैर टेढ़ा हो गया, अब जिस तेल को गिर गया था उसी तेल के ऊपर तेल पड़ा, पैर पड़ा और सेठ जी फिर फिसल गए। फिर फिसले तो उस घड़े के ऊपर ऐसा, ये घड़ा कंधे में था, घड़ा ऐसा सामने आया और मुंह के टक्कर से घड़ा के अंदर सेठ जी का मुंह घुस गया, पूरा का घड़ा पूरा मिट्टी में वहीं बह गया। वहां महाराज मूर्छित पड़े हैं। यहां कर्म की ऐसी तीव्र उदीर्णा हो रही है कि साधु तक को समय पर औषधि नहीं लग रही। औषधि हाथ में है, वैद्य है, देने वाला राजी है, लगाने वाला राजी है, अंदर दया भाव है। कर्म का ऐसा उदय आया, दो घड़े फूट गए, सेठ जी की अंतरात्मा अंदर से कांप गई। सेठ जी कांपते हुए विचार करते हैं, भद्रा अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब भद्रा भी क्या करेगी। भद्रा के पास तो मैंने अलमारी में दो घड़े रखे देखे थे, भद्रा अब तो बहुत क्रोधित होगी। भद्रा से जाकर के पूछता हूँ कि भद्रा अगर तीसरा घड़ा हो तो दे दो, उसके बदले में मेरी पूरी संपत्ति ले लो, लेकिन मुनि महाराज की वैयावृत्ति के लिए मुझे वो घड़ा दे दो। सेठ जी जैसे ही पलटते हैं, भद्रा सामने से देख करके मुस्कुराती रहती है। उस मुस्कुराहट के पीछे के रहस्य और सेठ के संवाद को सुनने के लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। बंधुओं, आज समय ने आपको गति पकड़ के अपना काल पूरा कर लिया है, फिर नियति हम सबको यहाँ पर बिठा कर दोबारा बिठाएगी, फिर इस पुण्य को बढ़ाने वाली कथा को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अभी शब्दों को विराम देता हूँ। अहिंसा।